क्या खा रहे हैं आयुष जी आप? आलू बंडा खा रहे हैं। जेरी इसको पकौड़ा बोल रहे हैं, आलू बंडे को। इन्होंने पकौड़ा खाया भाई, इसको पकौड़ा बोल रहे हैं। पनीर पकौड़ा। उधर समोसा का कौन सी दुकान है ये? लोग इसी डालते हैं, लोग समोसे चले जा रहे हैं। हाँ जी। आयुष जी कैसा लग रहा है आपको ये? भाई हमने पहली बार जिंदगी में ऐसा आलू बंडा खाया है जिसके अंदर पनीर है। मतलब कई चीजों में हमने पनीर देखा है लेकिन आलू बंडे के अंदर पहली बार पनीर देखा है। आलू बड़ा भी बोलते हैं, मेरी तरफ आलू बंडा बोलते हैं। आलू बंडे को लेकर बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हम लोग बचपन में जब जाते थे करेली या भोपाल जबलपुर से, तो हमारे यहाँ पे गोटे गाँव का आलू बंडा बहुत मशहूर है। बहुत ही तीखा होता है, लाल सा मसाला होता है उसका, तो वो हर कोई खाता है जो उस ट्रेन के रास्ते से जाता है। अब वो शिफ्ट होके करेली हो गया है, उसका नाम श्रीधाम हो गया है। तो ये यादें हैं, अभी ये खा रहे हैं, उसको मैच नहीं कर पाएगा कुछ। बस पनीर वाला पहली बार खाया हमने। आप बताइए आगे भाई, इनको दीजिए भैया। हमें भी समोसा खिलाएंगे आप लोग? आप बिल्कुल खिलाएंगे। समोसे में तो पनीर नहीं डालते? नहीं। अच्छा, पनीर पकौड़ा डालता है। अभी हम यहाँ पर आए हुए थे, बरसात हो रही थी, तो आज हमने सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके हम लोग आ गए, तो भूख लगी हुई थी। आयुष भाई बोले कि हमें पकौड़े या समोसे खिलवाइए, तो गरम गरम समोसा इन भाई जी ने दिया है। इसमें आलू होता है? हाँ जी। और क्या क्या रहता है आलू के अलावा? मसाले कौन कौन से? गरम मसाला है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है। अच्छा, पहले आलू उबालते हैं, उसके बाद कैसे प्रोसेस पूरा क्या है? आलू उबलता है, उबलने के बाद में छिलता है, फोड़ा जाता है, मसाले मिलाए जाते हैं, वो पुट्टी भुनी जाती है। तो आलू को ऐसे पूरा पहले कढ़ाई में आप सब्जी तैयार करते हैं, वो देखिए उसका मसाला आपने तैयार किया होगा। हाँ, ये तला हुआ है। अच्छा, और ये बगल में क्या चीज़ रखी हुई है? ये पनीर पकौड़ा। हाँ, ये देखो, ये ऐसे आलू बंडे आलू बड़े के मसाले में ऊपर पनीर लगा देते हैं, पनीर वाला आलू बंडा। ये बेसन में इसमें डाला जाता है, बेसन में। अच्छा, तो हम लोग समोसा खा रहे थे, भाई साहब ने बताया कि ये फतेहपुर सीकरी लगता है। आगे यहाँ पर एक दो किलोमीटर आगे फतेहपुर सीकरी है। विधानसभा कौन सी लगती है भाई साहब? फतेहपुर सीकरी विधानसभा लगती है। क्या लग रहा है चुनाव में माहौल इस बार? क्या नाम है पहले अपना नाम बताइए? सुभाष नाम है। यहाँ पर काम करते हैं आप? कितने समय से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए 6-7 साल। 6-7 साल से काम कर रहे हैं। आपका यहाँ पर रोल क्या रहता है, क्या काम करते हैं आप? मेरा ये दुकानदारी है। आप समोसा सर्व करते हैं या समोसा जो है बनाते हैं या पूरा सब करते हैं? सेल करता हूँ। सेल करते हैं। कितने की बिक्री हो जाती है दिन में? 8-10 हज़ार रुपए की। 8-10 हज़ार की? हाँ जी। दिन ये शाम की सुबह का नाश्ता अलग है। कितनी लागत आती है इसका बनाने में? और लगातार से वो सेट ही बताएं। अच्छा, आपने आप अकाउंटेंट हैं, आपने भी बताया। अच्छा, जाएगा तो होगा। एक समोसा एक आलू बंडा बनाने में कितनी लागत आती है, कितने का पैसा? अभी भैया हम लोग थोड़ा सा समोसा की आलू बंडे की इकोनॉमिक समझना चाह रहे थे। कितनी लागत आती है एक समोसा बनाने में लगभग? एक समोसा बनाने में करीब ऐसी लागत आती है भैया जी 6-6.5 रुपये की लागत आती है। 6-6.5 रुपये की? ऊपर बिकता कितने का है? 8 रुपये का बिकता है। 1.5 रुपये का मार्जिन? 1.5 रुपये का मार्जिन। बस देहाती इलाका है यार। देहाती इलाका है, बड़ी फिटिंग सेल की दुकान करीब 30 साल हो गए। अच्छा, क्या बोलते हैं सर आगे को? हम लोगों ने तो बताया ही नहीं। ये फतेहपुर जी की मूल बाईपास है। कितने की बिक्री होती है भाई साहब? बता रहे की 8,000 तक की हो जाती है भैया। जो भी है मतलब बिक जाते हैं 500-600 समोसे करीब, और पकौड़े बिक जाते हैं 250-300, और फिर भुजिया भी फेमस है। इसमें लागत करीब कितनी आएगी? अब भैया लगा तो खाती है। हाँ, नहीं कितना बच जाता है मैं ये पूछ रहा हूँ। फिर अच्छी जाता है, अपने जो भी बच जाता है वो तो निकालते हैं महीने में। जो भी भैया लोगों को कितना देते हैं आप?
मैं उनको जो बात कर रहे थे अभी आपसे उसको 11,000 रुपए महीने देता हूँ महीने का। सब 10,000-11,000 रुपए के कोई भी बनाते हैं मिस्त्री वो भी 10-10, 11,000 रुपए महीने ले जाते हैं। उससे ज्यादा 15,000 है, 16,000 रुपए तनख्वाह है। करीब 12-13-14 लड़के हैं। दुकान आपकी है किराए? नहीं मेरे खुद की है। आप तक कितना आता है लगभग? अब जो भी आ जाता है भैया। अरे बताइए थोड़ा खुल के बताइए। आ जाता अपने खर्चे पानी चल जाते हैं। खर्चा पानी चल जाता है। हाँ अपना ईएमआई वगैरह जो भी होती है पत्ती वत्ती चल जाती है बढ़ जाती है। अच्छा आप लोग व्यापार करते हैं और यहाँ पर जो है आपका पूरा व्यापार है कोविड भी यहाँ पर रहा तो आपको कुछ दिक्कतें आई या सरकार से आप कुछ मदद चाहते हो या सरकार कुछ अच्छा कर रही हो? सरकार बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा क्या क्या सरकार की तरफ से संतुष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से गुंडागर्दी खत्म हो गई। क्या चार चीजें कौन सी ऐसी हैं बताइए जो सरकार? सबसे पहली चीज है यूपी में से गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा जी पहले कैसी होती थी गुंडागर्दी? गुंडागर्दी यहाँ पर वो थी कि भैया क्या बताए आदमी आते थे यहाँ लूटपाट करते थे सामान जबरदस्ती पैसे नहीं देते थे वो सिस्टम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पैसा पहले देते हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा काम मतलब यहाँ तरक्की होती चली जा रही है रोड वगैरह बन रहे हैं यहाँ पर। कभी पहले ये सिग्नल रोड था अब फोर लाइन हो गई है। कुछ समय में सिक्स लाइन हो जाएगी और यहाँ तरक्की होती जा रही है होने दी है। यहाँ पर सारी पार्किंग वार्किंग यहाँ पर बना दी गई है। यहाँ विधायक साहब कौन है? यहाँ विधायक है आपके सुरवान उदयवान सिंह। उदयवान जी कैसा काम कर रहे हैं वो? उदयवान जी बढ़िया फर्स्ट क्लास मंत्री जी है यहाँ के। हाँ जी तो मंत्री साहब है तो मंत्री साहब काम कर रहे हैं जी। और बाकी पार्टी का क्या हाल है? बाकी पार्टी के लोग आते हैं आपके पास? बाकी पार्टियों के पास सपा बपा के आते हैं लेकिन हम वैसे मैं पार्टी में किसी में नहीं हूँ मैं आपको सही बताऊँ। लेकिन जो जो चीज अच्छी लगी उसकी चीज को बता रहा हूँ मैं आपको। हम पार्टी वार्टी से किसी से बहस नहीं रखते भैया जी। अच्छा किसान आंदोलन चल रहा है जैसे हम लोग भाई साहब बता रहे थे कि समोसे में आलू भी है बहुत तमाम चीजें जो खेत से आती हैं। जी 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 तो किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पर? यहाँ नहीं है यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पे। तो उस पर आप लोगों का क्या विचार है किसान आंदोलन? किसान बिल पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कुछ लोग समर्थन। आपको साफ बात बताऊँ ये सारी चीजें ढोंग है मेरे हिसाब से क्योंकि किसानों को भरपूर पैसा देखो अभी लाया। पहले 5,000-6,000 रुपए से ज्यादा कभी नहीं बिकता था। अब 9,000-8,500 रुपए लाया उतना है। किसान ढोंग कर रहे हैं बिल्कुल ढोंग कर रहे हैं जो ढोंगी है। और वैसे बंदे जो है कभी कोई भी आपने देखा हो किसान नहीं कर रहा है इधर इधर नगरी वाला लोग कर रहे हैं किसान नहीं। रवि कुमार नाम है मेरा सर। क्या कहते हैं सर ये तो सब क्या कहते हैं आप? मैं इस शॉप पे रहता हूँ। अच्छा ये शॉप आप भी देखते हैं? भाई जी 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 भाई हैं जी। अच्छा कब से देख रहे हैं रवि जी काम? मैं तो मुझे 3-4 साल हो गए करीब 3-4 साल से देख रहा हूँ। हाँ बता रहे थे किसान आंदोलन। किसान को केवल किस वो जो लोग बैठे हुए वहाँ पे वो किसान नहीं है पहली बात तो ये है। कौन कौन किसान नहीं है? किसान कोई भी नहीं है वहाँ तो वो केवल अपनी सब उल्लू करने जो भी लग रहा है बंदा वो अपना उल्लू करने पे सीधा करने में लग रहा है। कोई किसान नहीं है। किसान तो आंदोलन वो होता है भैया जी जो किसान असली मुद्दे क्या होने चाहिए? आप कह रहे हैं कि किसानों के वो मुद्दे नहीं है। नहीं किसानों के असली मुद्दे मतलब ये देखो मेरे हिसाब से जब महंगाई हो रही है हर चीज किसान को उनका गेहूं है एक ही जगह पे। क्या किसान तो पूरी ऑल इंडिया में है ना? किसान तो पूरी ऑल इंडिया में किसान एक ही जगह तो है नहीं है तो एक ही जगह क्यों हो रहा है? और भी जगह तो होना चाहिए और भी जगह तो किसान रहते हैं। नहीं कहाँ हो रहा है केवल दिल्ली के अलावा वो उस बॉर्डर पे पड़े हुए और तो कहीं है नहीं। दिल्ली पे तो वो इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नहीं और भी जगह तो किसान है ना। अच्छा आपसे किसान है वहाँ पे तो किसान किधर का है? वहाँ पे किसान किधर का है? वही उसी साइड का किसान तो है। हमारी यूपी का किसान तो नहीं है कि दिल्ली के आसपास। हाँ, जो किसान हमारी यूपी का किसान नहीं है राजस्थान का किसान नहीं है एमपी का किसान नहीं है कहीं का और का किसान तो नहीं है वहाँ पे। आप यूपी का कोई किसान किसान आंदोलन के विरोध में नहीं है? किसान बिल के विरोध में नहीं करते? क्या बताइए वो क्या था मसला? दिल्ली पे लाल किले पे जो हमला हुआ कब? अभी तो हुआ पहले पहले हुआ था। अच्छा अच्छा 26 जनवरी 26 जनवरी वो हमला नहीं होता वो किसान नहीं किसान नहीं करते। अच्छा ये तो गुंडागर्दी है प्योर। हाँ असली किसानों को तो मारकाट नहीं होती है। हाँ गुंडागर्दी की है उन्होंने सारी कोई उन्होंने आंदोलन नहीं किया। किसान आंदोलन तो उसे कहते हैं धरने में बैठो अपनी मांगे जो मांगे बस उसके क्या तुम गुंडागर्दी कर रहे हो और वो कर रहे हो तो कहाँ किसान रहे हो तो गुंडा रहे हो सारे। अच्छा
मुन्ने तो हो गए और बताओ आम आदमी में और बाकी बात चलिए किसानों के बारे में समझ आया। यहाँ पूरा इन टोटली किसानी एरिया भैया जी, हमारा सारा किसान काम में लगा हुआ है। आप किसानी नहीं करते तो आप किसानी का कैसे? किसानी बिल्कुल क्यों नहीं करते हम किसानी, हमारे पास खेत है। अच्छा, व्यापार भी करते हैं, किसानी भी करते हैं हम। क्या क्या फसल उगाते हैं? हम गेहूँ है, तुम्हारे सरसों है, अरहर है, बाजरा है, ये सारी चीज उगाते हैं। अच्छा, और बढ़िया रेट में जाता है हमारा, कोई वो नहीं है कि नहीं जाता हो बढ़िया रेट में, बढ़िया रेट में समझ जाता। तो आपको आपको नहीं लगता कि सरकार जो है आपके जो भी आपका पैदावार है उसकी नहीं कोई फसल का दाम बढ़ा है? हमें लगता सरकार बहुत अच्छा काम। अच्छा, गन्नों के दाम में क्या है कि गन्नों के दाम बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए? अब गन्ने का सर मुझे मालूम नहीं, गन्ना यहाँ पैदा होता है, गन्ने हमारे यहाँ पैदा नहीं होता है। गेहूँ धान भी होती है। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या है? स्वास्थ्य सुविधा थोड़ी कमजोर है लेकिन थोड़ी मतलब अब तो मतलब हमारे आगरे के अंदर बहुत बेहतर हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। अच्छा, हाँ कमजोर है हालांकि लेकिन और अच्छी होनी चाहिए। कमजोर मतलब किस तरीके से? कमजोर जैसे मान के चलो किसी एम्बुलेंस वाले को फोन किया वो लेट हो गया, मतलब जैसे समय पे जैसे गाड़ी आ जाए या कितनी दूर है, अगर मेरी तबीयत बुखार हो गया आपके क्षेत्र में किसी आदमी को कोई दुर्घटना हो गई, मान लीजिए दुर्घटना हो गई तो हमें यहाँ से 35 किलोमीटर आगरा ही जाना पड़ेगा। ज्यादा इमरजेंसी केस होता है तो छोटा मोटा होता है तो यहाँ है ब्लॉक। कौन सा अस्पताल? अस्पताल है ब्लॉक नाम कहते हैं, तो ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक हाँ, लेकिन वो छोटे मोटे इलाज ही करते हैं सर। अगर कोई ज्यादा बड़ा कोई ऑपरेशन या इलाज हुआ वो आगरा ही जाना पड़ेगा। बीएससी की व्यवस्था लेकिन ठीक है, छोटे मोटे सारे इलाज वहाँ। हाँ, छोटे मोटे इलाज सारी चीज होती है हमारे यहाँ। कोविड इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं जो, हाँ। वो सारे वहीं लगते हैं। कोविड वैक्सीन लगवा लिया हमने? दोनों वैक्सीन लगवा ली। आज आपने कहा का? अभी नहीं लगवाई, एक भी नहीं लगवाई। हाँ, अभी लगवाएंगे, गांव में जाती है अभी, उनके गांव में ही आते हैं तो इस चक्कर में लगवा। कोविड वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई आप, मतलब खुद से नहीं लगवाई? नहीं, गर्मी की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से नहीं लगवाई, गर्मी ज्यादा आई, गर्मी की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई। कारण गर्मी का क्या लेने देने? इसमें गर्मी ज्यादा होती है बता रहे हैं। वैक्सीन वैसे तो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत बुखार हो तो उसका गर्मी से कोई लेना नहीं। नहीं, थोड़ा शरीर में हीट करती है। अच्छा, वैक्सीन से क्या है, गर्मी करती है? हाँ, थोड़ा हीट करती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन बहुत अच्छी चीज है और सरकार दे रही है तो कुछ फायदे के लिए दे रही है, कोई नुकसान के लिए नहीं दे रही। और समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब गर्मी से कि आप कह रहे हैं कि अभी गर्मी बीत जाए जब बरसात का मौसम है, थोड़ा सा ठंडा माहौल। हमने लगवा ली, मैंने लगवा चुका हूँ। अच्छा, अभी दूसरी रह गई वो भी मुझे लगवा। लेकिन काका गर्मी से इसका लेना देना कुछ नहीं है। एक सलाह जो है, आपको कुछ समय के लिए माइल्ड सिम्टम रहता है, वो बुखार रहता है, वो बस चलिए ठीक है। हम लोग यहाँ फतेहपुर सीकरी में आए हुए थे और सीकरी किला घूमिए, आप देखने लायक चीजें। हाँ, किला घूमेंगे, अभी जा रहे हैं अभी यहाँ से। अभी रास्ते में हम रुके, बरसात हो रही थी और हमने समोसे खाए, लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा सा उसमें कमजोरी है लेकिन मजबूत होगा। किसान आंदोलन को उन्होंने बताया कि किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है ठीक ठाक मिल रहा है। एक भाई साहब मिले जो ये बता रहे थे कि वैक्सीन जो है गर्मी के कारण नहीं लगाएंगे। हाँ, तमाम तरह के मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन को लेके, लेकिन हम सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए समय में। और अगर जहाँ उपलब्धता ना हो वहाँ पर आपको जहाँ भी निजी जो भी आपके आसपास का अस्पताल है वहाँ पर जाके वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। देखते रहें ललन टॉप यूपी, हम बताते रहेंगे इसी तरीके से यूपी का हाल। शुक्रिया।